अपने गांव की पहचान अपने बच्चे से होगी। आप सबके लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली जो मेरा सपना था आपके इंस्टीट्यूशन में आने का, वो मेरा भाई पूरा करने वाला है। दोस्तों, कर्नाटका से रोहन आए हैं एक्टिंग कोर्स करने के लिए लेट्स एक्ट में, और उनके परिवार वाले भी आए हैं। उनसे सबसे बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनके दोस्त है, ये उनके पापा है, और ये भाई साहब भी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो भी आए कि बच्चे को जहाँ एडमिशन कराना है तो पूरी जानकारी लेनी चाहिए और सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि एक परिवार जब बच्चे के पीछे खड़ा होता है, पूरी जानकारी लेते हैं, जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ें बारीकियाँ समझते हैं, ये दिखाता है कि वो उस बच्चे के बारे में कितने सीरियस है, कितने सिंसियरली सारी बातें जान रहे हैं। और ये उनके बड़े भाई है जिन्होंने लेट्स एक्ट को रिकमेंड किया। उन्होंने बोला कि बेटा तू यहाँ पर जा। तो मैं जानना चाहूँगा कि लेट्स एक्ट को ही आपने क्यों रिकमेंड किया, लेट्स एक्ट कैसे पता चला? जैसे कि अगर मैं आपके चैनल के बारे में बताऊँ, जो आपका इंस्टीट्यूट है, आप लोग चला रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फ़ायदा हो रहे, जो लोग मुंबई आते अक्रॉस इंडिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से लोग आपके पास आ रहे, अक्रॉस इंडिया लोग आपके पास यहाँ पे आ रहे। लेकिन मैं देखता हूँ आपके चैनल को, आई हैव बीन वॉचिंग योर चैनल फॉर लास्ट 2.5 ईयर्स। तो तब से लेके मुझे इंटरेस्ट था कि मैं आपके पास ज्वाइन हो जाऊँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे को घर जाके फिर एजुकेशन फोर्सफुली घर वालों की तरफ से मुझे करना पड़ा, तो मैं एजुकेशन में चला गया। फिर ऐसा भी मुझे लगता है कि जो मेरा सपना था आपके चैनल में आने का, आपके इंस्टीट्यूशन में आने का, वो मेरा भाई पूरा करने वाला है। तो मैं तब से लेके आपके इंस्टीट्यूशन की वीडियोस देखता हूँ, आपके वीडियोस देखता हूँ, और मन में ये भी इच्छा थी कि कभी ना कभी आपसे मिलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करते हो पोलाइट वे में हर एक स्टूडेंट्स के साथ में, द वे यू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, तो ये सब मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले ये देखता हूँ कि इंस्टीट्यूशन में क्लीन कितना है, मतलब आप कितना मेंटेन किया। मैंने आके पहले वही चीज़ देखा कि हाँ क्लीन वगैरह तो है, बाहर से लेके अंदर तक जो अंदर का आपका सेटअप है, जिस तरीके से मिरर वगैरह लगाया हुआ है, उससे स्टूडेंट्स को इनकरेज होगा कि कर सकते हैं हम खुद की पर्सनालिटी देखिए। तो ओवरऑल आपका इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा लगा सर, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और जो जिस तरीके से आपने आपका इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे मेंटेन करके रखा है एक पीसफुल जगह पे। देखो तो दोस्तों, जो भी सब्सक्राइबर अभी देख रहे हैं या उनके परिवार वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो बिल्कुल इस फैमिली की तरह आपको भी बच्चे के साथ खड़े रहना है, क्योंकि जब हम ही अपने बच्चे के साथ नहीं है तो वो जंग जीतेगा कैसे। तो जो भी बच्चा एक्टिंग में आना चाहता है, लड़का लड़की, उनके परिवार वाले, इसी परिवार की तरह उसको सपोर्ट करो। लाइफ अपने को मिली है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइफ मिली है कि तू जो चाहता है ज़िंदगी में वो कर, डर के नहीं, बिंदास घुस जा उसमें। हो के क्या होगा, तू एक तो जीतेगा या तो हारेगा, लेकिन ये गिला शिकवा नहीं रहेगा कि शायद यार मैं ट्राई करता। तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी बताइए, और जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल सर की तरह, इनके बड़े भाई की तरह अपने बच्चों को मौका दीजिए, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए स्कोप दीजिए। ये बच्चा आया है, इसने एक्टिंग कोर्स किया, साल दो साल मेहनत की, और इसको लगा नहीं बॉलीवुड में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है, अपना कुछ भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता पता है? क्योंकि उसके बाद जब वो किसी और प्रोफेशन में जाएगा ना, वहाँ पर उसको ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरे घर वालों ने मुझे एक्टिंग का मौका नहीं दिया। आज ये मोमेंट उसको हमेशा याद रहेगा कि कर्नाटका से मेरे परिवार के 5 लोग आए, इंडस्ट्री में काम करने वाले मेरे दोस्त रिश्तेदार वो आए, मेरे पापा आए, बड़े भाई आए, मेरे करियर के लिए इन्होंने सब कुछ किया, मैं नहीं कर पाया। तो वो आगे जो भी फील्ड में जाएगा वहाँ पर वो बहुत कुछ अच्छा करेगा। और इसके उल्टा अगर हुआ तो, अगर ये सच में बड़ा बन गया तो, आज सोचिए अपने गाँव अपने शहर में हर इंसान बोलेगा यार ये मेरे गांव का आदमी है। अपने गांव की पहचान अपने बच्चे से होगी। सक्सेस हैज मेनी फादर्स। सो आप सबके लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली ये ऐसा जज्बा, ऐसा सपोर्ट हर पेरेंट्स का होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपके इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मैं आपकी सारी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से कोई सेलिब्रिटी बन के निकलता है, जहाँ से कोई बड़ा आर्टिस्ट बन के निकलता है, चाहे टैलेंट हो ना हो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आके जो सीखता है इंसान वो अलग बात है। सो ये इंस्टीट्यूशन से जो विनय सर है, जिसके बारे में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनता है। सो ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ अ किंग मेकर, आई वांट टू से।
एंड थ्रू हिज इंस्टीट्यूशन थ्रू हिज प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल द ऑडियंस हु आर वॉचिंग हिज वीडियोज एंड दोज हु वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर और एक्ट्रेस सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन मुंबई दैट यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन कम हियर ज्वाइन गेट ज्वाइंड हियर एंड देर आर चांसेस ऑफ getting succeed in your life so come here and join to Vinay sir and learn from him he is an expert into this field so thank you so much come and let's join